नहीं, पर आधी गलती तो तुमने कर ही दी। अभी अभी तो तुमने कहा कि आधी प्रॉपर्टी मेरी है, और मैं भी देखना चाहती हूँ कि मुझे इस घर से कौन बाहर निकालता है। मैं आज से यही रहूंगी। तकलीफ का अंधेरा बस कुछ देर के लिए है, बहुत जल्द दूर हो जाएगा। सावित्री, अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि अब मुझे कोई भी अंधेरा कभी छू भी नहीं पाएगा। ये अच्छी रही मेरी जान। कुछ करो मेरी जान, कुछ करो। मैंने कहा था ना आपसे, हुकुम का इक्का अब भी बाकी है और उसे शो करने का अब वक्त आ गया है। कल सुबह ही इन सब के सामने वो हुकुम का इक्का आएगा। भाई, आजकल तुम बड़ी कातिल चीजें रखने लगी हो। अमीर घराने की बिगड़ी औलाद, तेरी हिम्मत कैसे भी आने की। युवराज, युवराज छोड़ो इसे। अरे ये तो बड़े लोग हैं और इनके ये सारे बड़े चोचले ना जाने कहां कहां मुंह मारते हैं। युवराज, गाना लगाओ। प्रॉपर्टी मेरी है, बहुत
अभिमान था ना तुम लोगों को मुझे और असली भाई को इस घर से निकलवाने में, लेकिन अब हम इसी घर में रहेंगे। आजकल तुम बड़ी कातिल चीजें रखने लगी हो, मीर घराने की बिगड़ी औलाद। मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रसीली भाई! कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। युवराज पागल हो गए हो क्या? वो तो सजा के लायक है, लेकिन उसे मार के तुम सजा क्यों भुगतना चाहते हो? युवराज, युवराज लक्ष्मी ठीक कह रही है, सब मत करो। युवराज, नहीं मोड़ूंगा, आज मैं से नहीं छोड़ूंगा, मैं मार दूंगा तेरे को। रुक जाओ बेटा, तुझे मेरी कसम है। कमरे में आओ अभी इसी वक्त। हाँ जाओ जाओ, लेकर जाओ, दिमाग में कुछ डालो इसके। युवराज, आज के बाद तुम पवित्रा की कोई बात नहीं सुनोगे।
फिर हालात चाहे कोई भी हो। जी पापा। इससे नहीं होगा भाई, ये रोक नहीं पाएगा अपने आप को। अरे इसकी वजह से पहले ही कम तकलीफ हुई है क्या हम लोगों को? एक नाचने वाली को बैरी बनाकर घर में ले आया, और उसके बाद आधी जायदाद उठाकर उसके नाम पर कर दी। अरे और कुछ बाकी बचा है क्या? चले जाओ, खून वून करके जेल चले जाओ। और बचा खुचा नाम भी खराब कर दो गोरड़िया परिवार का। बस करो हल्की। क्या बस करो हल्की, सच्ची तो बोल रही है वो, झूठ थोड़ी ना बोल रही है। हल्की बहन, फुल्की बहन, आप देख नहीं सकती मेरा बेटा युवराज किस तरह से सहमा हुआ है। उसका साथ देने के बजाय, उसे समझाने के बजाय आप दोनों उसे डांट रही हैं। मेनका भाभी, माँ का पल्लू पकड़कर चलने वाला बच्चा नहीं रहा युवराज। हल्की बहन, मेनका बहन बिल्कुल ठीक कह रही है। युवराज, बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाया है, अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, और वो भी पवित्रा जैसे औरत की बातों में आकर तो बिल्कुल नहीं। देखो, एक दूसरे पर चिल्लाने के बजाय सावित्री की तरह युवराज को समझाना सीखो। मुझे माफ कर दीजिए हल्की बुआ, जो कुछ भी कह रही है वो सही तो कह रही है। ये सब कुछ मेरी वजह से ही तो हो रहा है। युवराज संभालो अपने आप को। युवराज, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें पछतावा हो गया है, इससे बढ़कर और कोई बात नहीं है मेरे भाई। युवराज, हल्की बुआ की बात का इतना बुरा मत मानो। युवराज, हम सभी तुझे बहुत प्यार करते हैं, तुझे खोना नहीं चाहते, इसलिए तुझे रोक रहे हैं। अरे बापूजी, ये सब क्या है बेटी? ये ब्रीफकेस, ये तैयारी। मैंने ऑफिस जाना कब का छोड़ दिया है और अब जाऊंगा भी नहीं। क्यों नहीं जाएंगे आप पापा? आप ऑफिस क्यों नहीं जाएंगे? वहां आपकी जरूरत है, सारा स्टाफ आपका इंतजार कर रहा है। और पापा, इन दिनों शायद मुझसे ऑफिस में कई गलतियां हुई हैं, वो सब आप ही को तो सुधारनी है। हमारे बांधनी के बिजनेस को नंबर वन बनाना है। हाँ बापूजी, और आपके सिवाय उसे कोई नहीं संभाल सकता। आपकी फैक्ट्री आपके बिना अधूरी है।
और तुम्हारे और हसमुख फुआ जी के बगैर भी अधूरी है। युवराज, हाँ शत्रु, तुम्हारी काबिलियत और हसमुख फुआ जी की सिंसेरिटी की कमी थी। हाँ युवराज की इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मैं फैक्ट्री जाऊंगा तो सबके साथ। फिर देखना हमारा बांधनी का व्यापार दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करेगा। ऐसा ही होगा सूर्यकांत, बिल्कुल ऐसा होगा। और शुभ काम की शुरुआत तो दही शक्कर के बिना मुमकिन ही नहीं है। मौका सही है सूर्यकांत, वक्त आ गया है कि इस घर की जिम्मेदारी ये चाबियां जो एक वक्त पवित्रा के गलत हाथों में थी वो सही हाथों में दी जाए। और वो सही हाथ है सावित्री का। जो इस घर की बड़ी बहू है। लो सावित्री, संभालो अपनी जिम्मेदारी। कैसी शुभ घड़ी है, चले चले पापा, चल चले। रसीली भाई, सच्चाई का हाथ पकड़ा ना तो हाथ से चाबियां निकल गई। अब तो इस घर में ऐश की जिंदगी खत्म। अब जानती है रसीली भाई, अब इस घर में सावित्री माँ का हुक्म चलेगा। अब वैसे मम्मी जी, अगर आपको इस घर से निकाला जाए ना तो आप मेरे बाकी के हिस्से में आकर रह सकती हैं। बाकी आपकी मर्जी। चले रसीली भाई।